बच्चों लास्ट टर्म पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग IUPAC पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रक्रिया में नोमेनक्लेचर में, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन मेन जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके सभी के हम लोगों ने पढ़ लिए थे, क्या कैसे कॉमन नेम होता है और इनका IUPAC नेम क्या होता है। अब इसमें लास्ट में कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, उनको आज डिस्कस करते हैं। नंबर एक है जो साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप, CN होता है, और दूसरा है एसिल हैलाइड, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, IUPAC में इनका नाम क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले नंबर एक पर इसमें नाइट्राइल्स, इसका क्या होता है, इसका ग्रुप CN, ठीक है ना, क्या होता है CN, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो साइनो होता है और सफिक्स नाइट्राइल होता है। इसमें प्रीफिक्स जो होता है वो साइनो होता है, साइनो, ठीक है, प्रीफिक्स साइनो, और जो सफिक्स होता है सफिक्स नाइट्राइल होता है, प्रीफिक्स साइनो और सफिक्स इसका नाइट्राइल होता है। तो ये चीज जैसा सभी फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते रहे वैसे इसमें भी साइनाइड। अब इसमें साइनाइड में कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4, कार्बन 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, और इस तरफ ये सिंगल बॉन्ड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड लगे हुए, और R जो एल्किल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से प्रक्रिया होती है, और सिंगल फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो मोस्टली हम लोग सफिक्स लगाते हैं, मतलब नाइट्राइल, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप में लगे हुए कार्बन को भी काउंट करेंगे जब कार्बन की नंबरिंग करेंगे। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, उसी ओर से इसका नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि देखें इसमें कुछ, इसमें होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, CH3 CN, C2 H5 CN, C3 H7 CN, C4 H9 CN, C5 H11 CN। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, 6 7 8। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये कार्बन है, दोनों कार्बन को एक साथ जोड़ देते हैं, दो कार्बन को क्या कहेंगे, एथ है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें पहला एक सफिक्स लगा देंगे एन, तो हो जाएगा इथेन, और फिर CN के लिए, साइनाइड के लिए सफिक्स क्या लगा देंगे, नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल, ठीक है ना, एथेन नाइट्राइल। उसी प्रकार से दूसरा देखें, यहां पर 2 और 1 3 कार्बन है, ठीक है,
ठीक है ना, दो और एक तीन कार्बन, तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रो, और पहला सफिक्स लगा देंगे क्या एन, तो जाएगा प्रोपेन, और साइनाइड के लिए क्या सी एन के लिए क्या लगा देंगे नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा देखें, यहां पर तीन कार्बन है और एक ये चार, चार कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, और पहला सफिक्स लगा दिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन, तो क्या हो जाएगा एन लगाने से ब्यूटेन, और सी एन के क्या लगा देंगे नाइट्राइल, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से चार और एक पांच कार्बन हो गए, पांच कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, ठीक है, पांच कार्बन को क्या कहेंगे पेंट, और इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे एन जोड़ देंगे, तो बन गया पेंटेन, और सी एन के लिए क्या लिख देंगे नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से पांच रिंग छह कार्बन, तो छह कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या लगा देंगे एन, तो बन जाएगा क्या हेक्सेन, और सी एन के लिए क्या लगा देंगे नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन नाइट्राइल। तो इस प्रकार से ये साइनो ग्रुप हो जाता है, साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना, साइनाइड या नाइट, इसे साइनो ग्रुप ये साइनाइड ग्रुप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल्स, या इसे हम, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल, और इसमें इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब इसी में एक इसका उल्टा भी हो जाता है क्या, कि जो ये सीएल लगा है साइनाइड के लिए उसी का हम लोग ऐसे ये एनसी भी कर देते हैं, एन पहले होगा सी बाद में, और यहां पर ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, जैसे सी एन ये साइनाइड है तो ये क्या है आइसोसाइनाइड, ये कहलाएगा क्या आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, एनसी, सी एन साइनाइड होता है और एनसी आइसोसाइनाइड होता है। तो इसमें क्या होता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ गया, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होती है, दो बॉन्ड ये हो गए एक बॉन्ड ये हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन इससे लेगा नहीं, तो देखो ये एरो बना के दिखा दे, ये है क्या कोवेलेंट बॉन्ड या उपसंयोजक बंध है, ठीक है ना, तो ये आइसोसाइनाइड की इस प्रकार की संरचना बनेगी, ठीक है ना, तो ये साइनाइड होता है और एक ये है आइसोसाइनाइड। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एल्किल ग्रुप लगा देंगे सी एस थ्री एन सी सी टू एच फाइव एन सी सी थ्री एच सेवन एन सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो एन सी का कार्बन है और इस कार्बन के बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये जो कंटिन्यूअस चेन नहीं है, बीच में नाइट्रोजन से ब्रेक हो गई, तो अब इसमें क्या लगा देंगे ये कार्बन इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, और इसका सफिक्स इसी के नाम से लिख देते हैं, जैसे कि ये नाइट्राइल है तो ये आइसो नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना, तो समान रूप से इसको हम जो इसका आईयूपीएसी का नियम है उसके द्वारा इसमें क्या हो जाएगा आइसो नाइट्राइल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेथेन एक कार्बन है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेथेन
आइसो नाइट्राइल, ये क्या हो जाएगा? दूसरा C2H5 एथेन है, तो क्या हो जाएगा? एथेन आइसो नाइट्राइल। इसी प्रकार से तीन कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन आइसो नाइट्राइल हो जाएगा। तो इसमें जो एलसी में कार्बन जुड़ा हुआ वो कार्बन की नंबरिंग के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया है। तो ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? अब इसमें नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के बाद अब देखते हैं एसिल हैलाइड, ठीक है ना? एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड COX, ठीक है, COX। अब इसमें CO तो ये कार्बन ऑक्सीजन है और X क्या है? हैलाइड, हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इधर ये हैलोजन लगेगा और इधर ये क्या लग जाएगा? एक एल्किल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? एसिल हैलाइड। अब एसिल हैलाइड का जो प्रीफिक्स होता है वह हैलो कार्बोनिल होता है, है ना? इसका प्रीफिक्स जो होता है हैलो हैलो कार्बोनिल होते हैं, और जो सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड होता है। ऑयल हैलाइड, ठीक है ना? देखिए ये जो नाम है वो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में एक ही रहेंगे। तो जो मैं जैसे इंग्लिश में लिख रहा हूं उसी तरह से आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नाम है, जो नाम इसमें लिखे जा रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश में सेम रहेंगे। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन बताता चल रहा हूँ हिंदी में भी, और इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, वही सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। तो इसका प्रीफिक्स कार्बो हैलो कार्बोनिल और सफिक्स जो होता है वो ऑयल हैलाइड होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक्स की जगह हैलाइड लिखा गया है, हैलाइड का मतलब क्लोरीन हो जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। तो हैलाइड का मतलब यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर देखें इसका CH3COCl, C2H5COCl, C3H7COCl, C4H9COCl, C5H11COCl। इस तरह से ये होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। अब इसमें जो एसिल हैलाइड में कार्बन है वो कार्बन इसमें कार्बन की नंबरिंग के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? दो। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। ये क्या बन जाएगा? एथ बन जाएगा, ठीक है ना? और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसमें पहला सफिक्स क्या लगा देंगे? एन, तो एथेन, ठीक है। अब इसमें ऑयल हैलाइड जोड़ना है तो ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ओ वाई एन, और एथेनॉल ये हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार से दो और एक
तीन कार्बन है यहाँ पर, COCl है, तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोब, ठीक है। और यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके साथ पहला सफिक्स लगा देंगे एन। अब इसके लिए COCl के लिए, इसलिए एलाइड के लिए क्या लगा देंगे, ओएल एलाइड, तो ई हटा करके ओ वाई एल, और क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड, तो प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से तीन और एक चार कार्बन, चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो पहला सफिक्स हो जाएगा इसमें एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। और ओइल एलाइड जोड़ना है तो ई हटा करके ओ वाई एल, ब्यूटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से चार और एक पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, तो ये क्या हो गया, पेंट, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड से लगाया, पहला सफिक्स हो जाएगा एन, तो पेंटेन हो गया। और COCl के लिए ओइल हैलाइड, तो ई हटा करके ओ वाई एल, ओइल क्लोराइड। और इसी प्रकार से यहाँ पर पांच और छह कार्बन, छह कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स है, हेक्स हो जाएगा। अब इसमें पहला सफिक्स लगा देंगे एन, तो हो जाएगा हेक्सेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और COCl के लिए ओइल हैलाइड, तो ई हटा करके ओ वाई एल, ओइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एसिल हैलाइड का नामकरण करते हैं। एसिल हैलाइड में क्या होता है, आर सीओ एक्स, एक्स का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड लिख देते हैं, ठीक है ना। और एसिल हैलाइड का प्रीफिक्स हैलोकार्बोनिल, सफिक्स ओइल हैलाइड होता है, और सिंगल लगा हुआ है तो सभी में हमने ओइल हैलाइड जोड़ा है सफिक्स के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दो फंक्शनल ग्रुप जो बचे थे इसमें IUPAC में वो समाप्त हुए। इसमें नाइट्राइल CN और साथ में आइसोसाइनाइड भी डिस्कस किया, और इसमें लास्ट में ये एसिल हैलाइड को भी डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया ये IUPAC नॉमिनक्लेचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमिनक्लेचर, ये नामकरण कैसे करते हैं, उनके IUPAC के नियम क्या है, वो नियम हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर एक साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके फंक्शनल ग्रुप और उसके साथ में उनका प्रीफिक्स, सफिक्स और उनके कुछ एग्जांपल, वो एक साथ जल्दी से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो ये नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस है पूरी हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी इंटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे उनमें सभी में IUPAC नाम ही सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर IUPAC में नेक्स्ट टॉपिक को और इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।